जीतना है, जाति को जीतना है। ये रहे कुल भाषा लोक जाति, ये रहे कुल भाषा लोक जाति, ये रहे कुल भाषा लोक जाति। इनको पिक्चर को देखिए, आपको पता चल जाएगा ये है कुल भाषा लोक जाति। अब यहाँ दिक्कत है, पूछो क्या पास डैनियल, अगर इनके बीच में जाएंगे तो सबसे बड़ा दिक्कत है इनका कल्चर, संस्कृति। और अपना बाइबल का कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है, पूछो कैसे। ओके, यीशु यहूदी है, जहां सेवा हुई वो यहूदी है, सारा किस्सा मिडल ईस्ट का है, पत्रस पौलुस वहां के हैं, लेकिन बाइबल अब यहां पहुंची है। वहां की बाइबल जब यहां पहुंची, वहां का सिस्टम यहां नहीं चला सकते, यहां का सिस्टम वहां नहीं चला सकते, लेकिन प्रभु ने कहा है कि वचन लो और पूरे देश में जाओ, तो अब हम वहां गए। अब यहां पर जा रहे तो मराठी मिल रहे, कहीं जा रहे तो गुजराती मिल रहे, कोई साउथ मिल रहा, कोई नॉर्थ मिल रहा, कोई कोई बैठ के खा रहा है, कोई खड़ा होके खा रहा है, कोई ऐसा खा रहा है तो कोई वैसा खा रहा है, कोई लुंगी पहन रहा है, कोई जींस पहन रहा है, कोई पैंट पहन रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है, कोई सलवार कमीज पहन रहा है, कोई स्कर्ट और टॉप, ये सब है अपना भारत। अब इनके बीच में हम कैसे जाए, तो वचन को तो लेके जाना है नो डाउट, यीशु को प्रचार करना है नो डाउट। तो क्या हम इनके कल्चर को बदल बदल के प्रचार करें, या कल्चर को ऐसे ही रहने दें लेकिन प्रचार करें? जी क्या बात है, आप लोग सब सहमत हैं? और आपको सहमत होना होगा, पूछो क्यों। वचन ही सामने है, हर जाति भाषा कुल लोग, अगर ऐसा नहीं होता तो यीशु खुद कहता सिर्फ मनुष्य को बचाओ, तो मनुष्य को बचाओ पहले, मेरे को टक्कर मिल रहे सर, इधर एक टक्कर आ रहा है, इधर एक टक्कर आ रहा है, बोला देखते तुम कितना प्रचार करते हो, हम कितना प्रचार करते हैं, मेरी तो फुल कॉम्पिटिशन है, मैं पहले से हार मान रहा हूँ, आप लोग दोनों जीत गए। वापस आते हैं, तो इसका मतलब है कि कल्चर को चेंज नहीं करना। सर आर यू एग्री विद दिस, मैडम आर यू एग्री विद दिस, और आपको एग्री होना होगा, पता है क्यों, क्योंकि वचन कहता है हर जाति कुल भाषा में जाओ, सामने रखा है ना। तो जब कल्चर में जाते हैं तो चैलेंजेस है, मैं रिपीट करता हूँ क्या है चैलेंजेस है। कोई कहता है कि मैं कपड़े का क्या करूँ, मैं ऐसी पहनूं, कोई कहता है मेरा फैशन का क्या करूँ, ऐसी पहन लो, अरे फैशन का क्या करूँ। कुछ लोग कहते हैं पास्टर डैनियल क्या फैशन पाप है, नहीं मुझे पूछा, मैंने जवाब दिया, सुना चाहोगे, फैशन तब तक पाप नहीं है, ध्यान से सुनना, जब तक बदन थका है। आपने नहीं सुना, फैशन तब तक पाप नहीं है जब तक बदन थका है। फैशन कहीं का हो, अगर बदन खुला है तो फैशन गलत है, पाप है। आप लोग समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं। तो किसी के फैशन को गलत मत बोलो, किसी के कल्चर को गलत मत बोलो। मेरे को एक ने बोला पास्टर जी, बोला डैनियल भाई तो पास्टर होके जींस कैसे पहनते हो, मैंने बोला ऐसे, मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है, कहते हैं कि ये अपना कल्चर नहीं है, मैंने बोला कैसे, बोला तुम क्रिश्चियन हो, मैंने बोला हो, तो मैंने उसको पूछा तुम क्या हो, बोला मैं भी क्रिश्चियन हूं, मैंने बोला फिर ये जींस का फैशन कहां से है, बोला अमेरिका, मैंने बोला वो कौन सा कंट्री है, बोला क्रिश्चियन। आप नहीं समझे अभी भी, तो मैं कहां का फैशन फॉलो कर रहा हूं, क्रिश्चियन, कम से कम तू तो मत बोलना है यार, अंदर वाले बाहर वाले अपने को वैसे भी सुन रहे हैं, आप मेरे साथ में बाहर जितना कैसे बोलो, बाहर जितना विरोध नहीं है ना मसीहों को, उतना अंदर से है, बाहर वाले जैसे जैसे समझ जाते, अंदर वाले तो वाह 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 वाह, इनका बस चले तो तलवार निकाल लेंगे लोग, ऐसे विचित्र विचित्र लोग हैं अपने मसीहत में। मैं फिर कहता हूँ, जो सुबह डायलॉग मारा था, हम लोग बहुत उलझे हुए लोग हैं, हम पब्लिक को बोलते तुम लोग उलझे हो, इधर पे आपको को पता चलता है कि हम उलझे हुए, सुलझे हुए तो बोलोगे आमीन। तो मैं वापस आऊंगा कि कल्चर को चेंज नहीं करना है। गुजराती वाले ढोकला खाते हैं उनको मसाला डोसा मत खिलाओ, साउथ वाले मसाला डोसा खाते हैं उनको ढोकला मत खिलाओ, जो लुंगी पहनता है उसको धोती मत पहनाओ, जो धोती पहनता है उसको पैंट मत पहनाओ। आपके साथ में आ रहा हूँ, आपके साथ में सिंधी है, यहाँ पे कोई सिंधी परिवार से सिंधी हो, उनका कल्चर बहुत अलग है, उनको पूछो सर क्या खाओगे, बोला पापड़, झापड़ नहीं पापड़, उनको पूछा सर क्या खाओगे, बोला पापड़, सिंधियों का फेवरेट है पापड़। ऐसे बहुत सारे लोगों का अलग अलग कल्चर है। अभी हम लोग
तो कभी नीचे खाना खा रहे थे, मेरा आदत है, मैं पूछता हूँ कि मैंने अभी खाना खा लिया है, मैं हाथ कहाँ धो। मैं जब कहीं अलग कंट्री में जाता, सॉरी अलग देश शहर में जाता हूँ, तो वहाँ पे जिसने खाना खाए उसमें हाथ धोने का अलाउ नहीं है, वो अपमान समझते हैं। तो मेरे को डर लग गया, मैंने बोला भाई पहला वैसे पूछ लो। वो जगह पे बोलते नहीं आप इसी में दो, आपने भी मुझे बोला इसी में दो, क्या है प्रॉब्लम क्या है। तो कुछ जगह पे कहते हैं कि नहीं बाहर जाके धो या वॉश मशीन में जाके धो, कुछ लोग कहते हैं प्लेट में ही धो, दिक्कत नंबर दो पूछो क्या। अगर आपने खाना दिया, अगर मैंने पूरा खत्म किया प्लेट में, तो कहते तुम इतने भूखे थे, अगर थोड़ा सा बचाया तो कहते क्यों अच्छा नहीं था खाना, घर ऐसा करो तो प्रॉब्लम, ऐसा करो तो प्रॉब्लम। तब पता चला कि जिसका जैसा कल्चर है वैसे रहो। आगे आप समझदार है ना, रहेगी बात ना बजेगी बात सुबह हम फिर मेरे साथ में कल बजा देना यार बस। अभी मैं वापस कहता हूँ कि कल्चर को चेंज नहीं करना है ना, अभी इसके लिए सपोर्टेड स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि लोग बहस करते हैं डेनिल वचन बताओ तो लोग दे देता हूँ तैयार है, लेकिन सचिन साहब थोड़ा बिजी लग रहे हैं, लेकिन पढ़ पाओगे आप? ठीक है, टेक योर स्क्रिप्चर बाइबल एंड रीड द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 25, निर्गमन की पुस्तक 20 का 25, निर्गमन की पुस्तक 20 का 25 आपको मती के बाद में मिल जाएगा, उत्पत्ति के बाद में। निर्गमन 20:25, और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, वापस, और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना। ओके, इंग्लिश में लिखा है व्हेन यू मेक अ अल्टर, इजंट इट, इसका मतलब है कि जब तुम मेरे लिए वेदी बनाओ, यहाँ पे वेदी कौन है, अपने न्यू टेस्टमेंट के हिसाब से वेदी कौन है, हु इज द ऑल्टर, नो यू, वी आर द ऑल्टर। मैं कहा गया हूं, सुनो हम है वेदी, और हम कौन से वेदी हैं, परमेश्वर की वेदी। लेकिन जब वहां पे वेदी बन रही थी तो परमेश्वर ने मूसा से कहा खबरदार, बोलो खबरदार, जिस पत्थर की वेदी बनाओ वो पत्थर तराशा हुआ नहीं होना चाहिए। आप नहीं समझे शायद अभी भी, क्योंकि लोगों को आदत है पत्थरों को तराशने की, जहां कम ठोकना है वहां ज्यादा ठोक देते हैं, जहां ज्यादा ठोकना है वहां कम ठोक देते हैं, कहते हैं ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे आओ, ऐसे जाओ। ऊपर से परमेश्वर बोलता है मैंने तुमको गुलामी से आजाद किया, तुम तो उनको डबल गुलामी में डाल रहे हो, यू गॉट द पॉइंट। तो परमेश्वर की हम जो ऑल्टर हैं उसके ऊपर पत्थर को तराशना नहीं है, तराशने का काम परमेश्वर का है। अगर एक एक पंजाबी व्यक्ति, अपने थोड़ा सा गड़बड़ वाला है फिर भी बोलूंगा, एक पंजाबी अगर प्रभु में आ गया तो क्या उसकी पगड़ी उतार है, एकदम टक करके बोल दिया, पगड़ी तक ठीक है, पगड़ी तक ठीक है, उसके बाल काट दें, क्योंकि सिख लोग लंबे लंबे बाल रखते हैं सैमसंग की तरह, पता नहीं क्यों। आप मेरे साथ में, तो वहां पे अगर आपने पगड़ी उतार दी और बाल काट दिया तो इसका मतलब उसका क्या बदल गया, धर्म, और वो क्या बन गया संसार के हिसाब से, क्रिश्चियन, आपने क्रिश्चियन बनाया, अब उसका नाम होगा महेंद्र सिंह, बजेंद्र सिंह, आई मीन मनमोहन सिंह, जो भी नाम होगा, तो फिर उसका नाम अपने को या तो एंथनी या तो माइकल या तो फर्नांडिस ऐसा कुछ रखना होगा। तो इसका मतलब है आरएसएस और भजन दरवाजे जो हमको बदनाम करते हैं कि हम धर्मांतर करते हैं, तो फिर हम फंस गए, तो हम धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, हम जीवन परिवर्तन करते हैं। बाहर से वो सिख हो या सिंधी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जैसा है वैसा ही हो, बशर्ते मूर्ति पूजक ना हो। ऐसा इसका मतलब है ऐसा नहीं करे, आगे बोल दो गई। दूसरी पॉइंट जो कि ये अच्छा लगा पहला वाला, ओके राइट सर। दूसरा कहता है परमेश्वर के दर्शन को समझना, इसका मतलब है कि आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर का दर्शन क्या है। आइए देखते हैं हबुकुक 2:14, यहाँ यहाँ सचिन भाई, नो प्रॉब्लम, यहाँ एक साथ 1 2 3 गो, क्योंकि पृथ्वी या हो
यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समंदर जल से भर जाता है। तो नदी नदी इसलिए है क्योंकि उसमें पानी है, कुआं कुआं इसलिए है क्योंकि उसमें पानी है, नाला नाला इसलिए है क्योंकि उसमें पानी है, सागर सागर इसलिए है क्योंकि उसमें पानी है, पृथ्वी पृथ्वी नहीं है क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। और परमेश्वर की पृथ्वी कुछ ऐसी दिखनी चाहिए जिसको कहते हैं महिमा का ज्ञान। आपका नीरज मेरा मुंबई क्या आज परमेश्वर के ज्ञान में है? जवाब है पूछो क्यों। अगर ये परमेश्वर के ज्ञान में होता तो बियर बार क्यों है, वेश्या खाना क्यों है, थिएटर्स क्यों है, गलत काम क्यों है? इसका मतलब है ऐसी पृथ्वी प्रभु चाहता है। जल्दी से बोलो, क्या वो औरत थी जिसका नाम था सांपली औरत? यीशु ने उसका उद्धार किया और उसको कहा कि तुझे जाना है, पूरे गांव में गई, पूरे गांव को चेंज किया, यीशु दो दिन वहां पर रहे। अब मुझे प्लीज बता ये वो गांव का क्या क्या बदल गया होगा? डियर बार थिएटर्स जो कि नहीं होंगे बट आज की भाषा में वहां जितने गलत काम थे सब चेंज हुआ होगा, वही तो बता रहे। तो वहां में क्या आ गया? परमेश्वर के महिमा का ज्ञान। दूसरा शहर निनवे, 1,20,000 योना को कहा प्रचार करो, प्रचार किया गांव चेंज। तो वहां के जितने आइडल वर्शिप होंगे वो गंदे होंगे, गए तो वहां पर भी क्या हो गया, वो शहर इस तरीके से बदल गया। तो सोच के देखिए अगर पूरा भारत बदल जाए और ये जो कुछ आप देख रहे हैं तो गली गली सड़क सड़क में हमको क्या सुनने को मिलेगा? हालेलुया। अब अगर इस बात में तो यहाँ का सीएम हो या पीएम हो, नगर सेवक हो या एमएलए हो, चर्च के बाहर खड़ा होकर ऐसे हाथ जोड़ेगा, पास्टर ना पीओ चलाओ दे, बोला क्यों, जो मिल रहा हालेलुया बोल रहा। तो इसका मतलब है कि हमको परमेश्वर के दर्शन को एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर उसको पूरा करना है, चाहे इसमें आपकी जान चली जाए, चाहे आपको इसमें मेहनत करना पड़े, हम प्रभु के लिए जिएंगे। क्या बात है, तालियां और एक हो जाए। तीसरा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वक्त को ध्यान रखूंगा। तीसरा कहता है हम यहाँ है इसलिए ताकि हम परमेश्वर की रणनीति को समझे, और रणनीति को समझ कर आप लोग लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों लिख रहे हैं, बट मैंने आपसे कहा कि सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, सब कुछ इसमें पहले से लिखा हुआ है, जो वहां आप लोग लिख रहे हैं फिर आपको वापस इसमें देखना पड़ेगा तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो बेस्ट आइडिया है आप लोग सिर्फ सुन लीजिए, मुझे पता कि जो यहां छप गया वो हर जगह छप गया, तो लेट्स फोकस ऑन स्क्रीन। तो यहां कहता है परमेश्वर की रणनीति, आइए पता लगाते हैं परमेश्वर की रणनीति को कैसे देखते हैं। आप लोग तैयार हैं? मत्ती का 24:14 मत्ती का 24:14 बोलो, अब ठीक है पक्का? ओके, आज सबके लिए बिरयानी जो भी था, वेरी गुड। आपका जो बॉडी है ना वो स्पिरिट को सपोर्ट नहीं करता, आपका जो स्पिरिट है वो बॉडी को सपोर्ट नहीं करता, बीच में है आप, आपको बैलेंस करके चलना है। हमें थोड़ा मजबूत करिए बस, और एक आधा घंटा शायद, और फिर कल सुबह मुलाकात होगी। हमें मजबूत बैठिए, तैयार है आप लोग? ओके, कौन सा वचन है 24:14 किसी को याद है? मत्ती 24:14 में क्या लिखा किसी को याद है? नो प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ। मत्ती 24:14 ये एक साथ 1, 2, 3, 4 तो इसका मतलब है यहाँ दो पॉइंट है, एक है सारे जगत में प्रचार करना और दूसरा है अंत का देखना या लाना। तो ये दो पॉइंट है, तो स्ट्रैटेजी किसको बनाए दोनों में से, सुसमाचार को बनाए या अंत की बात करें? स्ट्रैटेजी क्या है? पक्का 100% ताला लगा दे। मैं वापस कह रहा हूं आपको समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज द स्ट्रेटजी, रणनीति क्या है? यहां लिखा है सुसमाचार प्रचार करो, दूसरा कहता है अंत की बात करो, यानी क्या अंत आएगा, व्हाट इज द स्ट्रेटजी? ओके, तो इसका मतलब है आप लोग दस से बस नहीं होंगे, आपका जो जवाब है वो बिल्कुल पक्का है, और मैं भी सहमत हूं। क्यों सहमत हूं? क्योंकि ऊपर ही लिखा है कि राज्य का ये सुसमाचार पहले सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। अब पढ़ते हैं तब, आपको याद है सुबह में आया तो वैसे, एक साथ उसे बोलिए तब, इसका मतलब है जब तक
जब नहीं होगा तब तक तब नहीं होगा। मरकुस 13:10 जल्दी, मरकुस 13:10। आहा प्रभु का नाम बात कर रहा है, मरकुस 13:10 जी, मरकुस 13:10 अवश्य है कि पहले सुसमाचार, वापस 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 वापस, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार, आप अवश्य में अटक गए ना, उसको फास्ट आ जाइए, पर अवश्य है कि आइए आइए वापस आइए, पर अवश्य है कि हाँ, तो इसका मतलब क्या है, पहला क्या है, कोई चीज अवश्य है, नंबर वन इज अ मस्ट, व्हाट इज दैट मस्ट, लिखा है पढ़िए, पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए, फिर बाद में बात करते हैं, भाई तेरा हाथ मेरा, कुछ बोलो जल्दी से, आपको पता है पीटर ने जीसस को पूछा, Acts 1:5 पढ़िए, उसने पूछा कि क्या अभी, बोलो क्या अभी आप इज़राइल को डाल के फेंकोगे, यीशु ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया सर, यीशु ने कहा कि वो समय और काल, इंग्लिश में कहते हैं टाइम एंड सीजन को जानना ये तुम्हारा काम नहीं है, पिता ने अपने अधिकार में रखा है, आप मेरे साथ में, तो इसका मतलब है अंत कब आएगा ये जानना आपका मेरा काम नहीं है, वहां दो चीजें, एक बोलो टाइम और दूसरा है सीजन, टाइम एंड सीजन, हिंदी में लिखा है समय और काल, तो आपको क्या लगता है टाइम का मतलब क्या होता है, घड़ी वहां है, एक होता है सेकंड का काटा, दूसरा होता है मिनट का काटा, तीसरा होता है आवर्स का काटा, तो आपको पता चल जाता है कि सेकंड का मतलब क्या है, मिनट का मतलब क्या है, आवर्स का मतलब क्या है, लेकिन सीजन का घड़ी बताओ जोर से, सीजन को काटे होते मछली को काटे होते, एनीवे क्या सीजन में आवर्स होते हैं, सीजन काल, काल में आवर्स होते हैं, फिर क्या होते हैं, एग्जैक्टली मंथ्स और इयर्स, बाप रे बारिश कब आती है, एक साल के बाद, धूप कब आती है, एक साल के बाद, तो प्रभु कहता है ना तो टाइम पूछ ना सीजन पूछ, चुपचाप रे, फिर पहला काम कर, कैन यू बिलीव दैट, तो इसका मतलब है कि पहले सुसमाचार प्रचार करो, बाद में अंत की बात करने के लिए तुम रहोगे ही नहीं, पूछो क्यों, प्लीज जल्दी पूछो क्यों, क्योंकि आप यहाँ रहोगे ही नहीं, रैप्चर में चले जाओगे, आप मेरे साथ में आपका आगमन हो जाएगा, आपका उठा लिया जाना होगा, जिसको कहते हैं सीक्रेट रैप्चर, गुप्त आगमन, दो व्यक्ति खेत में होगा, एक उठा लिया जाएगा, दो अलग चक्की पिस्ती होगी, एक उठा ली जाएगी, उसी को तो कहते हैं रैप्चर, पहला रैप्चर कब हुआ बाइबल में, अनोख 300 साल चला परमेश्वर के साथ, उम्र थी 365, उठा लिया गया, आपको पता है प्रकाश शर्मा के 12:1 में एक औरत गर्भवती होगी, जैसे ही उसने बच्चे को जन्म दिया उठा लिया गया, that is rapture, उसी को तो कहते हैं, आप मेरे साथ में, तो इसका मतलब है जो कलीसिया नीचे काम कर रही है अभी वो तो उठा ली जाएगी तभी, जो कलीसिया काम कर रही है अभी वो तो उठा ली जाएगी तभी, और जब हो जाएगा तब बात क्यों कर रहे हो अब, इधर दिक्कत क्या मालूम है, अपने को पैंट खरीदना है 10 साल के बच्चे का, बच्चों का कपड़ा खरीदना है 10 साल का बच्चा है उसको पैंट खरीदने का है, वहां पे सेल्स में 20 साल के बच्चे का सस्ता कपड़ा, ऊपर से गया, अपने को कपड़ा खरीदने के 10 साल के बच्चे का, वहां सेल लगा है 20 साल के बच्चे का, अब उन्हें क्या बोला, अरे बच्चा भी 10 साल का है, 10 साल के बाद में जो कपड़ा खरीदना है अभी सस्ते में मिल रहा है, इसके लिए अभी उसको उठा लो और बच्चे को लेके दे दो, और जैसे ही बच्चे को देने गए बच्चा बोलता है पापा ये क्या है, बोला बेटा 20 साल के बाद आएगा, फिर बच्चा पूछेगा अभी क्या पहनो, आप नहीं समझे अभी तक, चर्च को वो दीजिए जो अभी चाहिए, चर्च को वो मत दीजिए जो तभी चाहिए, और मैं आपको बहुत सारी पॉइंट क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि यीशु ने कभी नहीं सिखाया, 24:1 यीशु ने कभी नहीं सिखाया कि तुम मेरे को ये पूछो, जबकि चेलों ने पूछा तब सिखाया, आइए देखते कैसे, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, कहा आगे, हमें बता, हमें पता, पहले कहा अभी पता कि ये बातें कब होंगी, आपको नहीं लगता है कि हमें पता, राइट में कौन बैठेगा, लेफ्ट में कौन बैठेगा, हमें पता बड़ा कौन है छोटा कौन है, यीशु ने बोला ठेका लेके रखा है कि तुम लोग हर सवाल का जवाब देते बैठो, आपको नहीं लगता है सबसे ज्यादा परेशान लोगों ने किया किसको, यीशु मसीह को, अरे भाई कभी जॉन ऐसा टेक के बैठता था, यीशु ने बोला बेटा जिस दिन असलियत में देखेगा तेरा हालत खराब हो जाएगा, हम आगे सर
ये सारी हरकतें चलती थी। इतने में पतरस बोलता है, मेरे भाई ने गलती करी, कितनी बार माफ करो। यीशु बोलता है, वो भी मैं बताऊं, तेरा भाई से तू गलती कर रहा है, तेरा भाई तेरे से गलती कर रहा है, और मैं उसका जवाब देते बैठू, मतलब मैं इसलिए आया हूँ। तो ऐसी वाली हरकतें थी। लूका 11 एक बार पढ़िए, जॉन बैप्टिस्ट के लोगों ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया, ऐसे प्रार्थना करो। चेलों ने बोला, हम भी कम नहीं है। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, हम अपने गुरु से पूछेंगे। यीशु को आके पूछते हैं, प्रभु हम कैसे प्रार्थना करें। यीशु ने बोला, लो खत्म हो गया, पवित्र आत्मा आके सिखाएगा ना, मेरे को अभी क्यों पूछ रहे हो। आप समझ रहे हैं, जो चीजें जब चाहिए तभी मिलेगा, तभी मिलेगा। ओके, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, ऑफकोर्स मेरे भी, और आपके घर में सोचिए, कोई भाई साहब शेव कर रहे हैं, इतने में छोटा बच्चा आ गया, पापा मैं भी करूंगा, तो गए वो बच्चे को हमने भेंट दे दिया, वो बच्चा भेंट के साथ क्या करेगा। आप सोच के देखिए, वो सर आप समझ रहे, बाद में आते हैं ना दाड़ियां, ये अभी अगर पहले ही हरकत करेगा, मम्मी लोग चाकू से भाजी काटते, इतने में बच्चा आता है, मैं भी काटूंगा, बेटा पैर नहीं और हाथ नहीं काटना है, सब्जी काटना है, तेरे बाकी दे दिया तो आप है मेरे साथ में। हम खुद समझते हैं कब किसको क्या देना है। मेरा लड़का नतानियल, मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो बोलता है, पापा आप जिधर बैठे हो मैं भी उधर ही बैठूंगा। मैंने बोला, बेटा ऐसा करेगा ना, हम लोग दोनों जेल में बैठेंगे। साथ में मैं नहीं दे सकता उसको ये गाड़ी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। वैसे ही जीसस ने कहा, मेरे से मत पूछो लेकिन जबरदस्ती पूछे। आइए पढ़िए, जब मैं जैतून पहाड़ पर बैठा, वो खत्म हो गया, नेक्स्ट, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो मतलब मुझे अभी बता, पत्रस क्या बोल रहा है, मुझे अभी बता। एक सवाल पूछ सकता हूँ, ये रिकॉर्ड हो गया सर, डालो यूट्यूब पर, मजा आएगा। एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या पत्रस ने 2018 का कैलेंडर देखा था, यस और नो? सचिन जल्दी, नो। अगर उसने देखा होता तो ये सवाल नहीं पूछता। अरे लॉजिक वाली बात है, आप नहीं समझे बेबी। उसने पूछा, हमको अभी बता अंत कब आएगा। पत्रस ने 2018 का कैलेंडर देखा होगा, ये सवाल नहीं करता, क्योंकि उसको पता चल जाता, पूछ के कोई फायदा नहीं है, कम से कम दुनिया 2018 साल तक तो खत्म नहीं होगी, इसलिए मुंह बंद करके सीधा लॉजिक। अब मेरे साथ में ऐसे अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं, और आपको नहीं पता, एक प्रभु के दास का मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा भी नहीं लगता है, उसने अपने चर्च को बोला 9 दिसंबर को यीशु आ रहा है। Can you believe that? कौन से दिसंबर को? पिछले साल के 9 दिसंबर को अपने चर्च को बोला, प्रॉपर्टी मत खरीदो, जितनी प्रॉपर्टी है सब बेच दो, और फैमिली को बोला राशन मत खरीदो अगले दिन का। 9 दिसंबर को आया, 9 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर आया, 10 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर आया, लेकिन यीशु नहीं आया। ये सब इस शब्द को माफ करिए, मूर्खता चल रहा है। 18th सेंचुरी में कुछ लोग उठे थे, 19th सेंचुरी में कुछ लोग उठे थे। यूट्यूब पर टाइप करिए, आपको नहीं पता है कि जापानीज में ऑलरेडी यीशु आ चुका है, जापानीज वाला। अफ्रीका में ऑलरेडी एक यीशु आ चुका है, अफ्रीका वाला। फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी एक यीशु आ चुका है, फॉरेन वाला, लेकिन असली वाला और वो नहीं आएगा। कब तक? जब तक सुसमाचार सारे जगत में गवाही के तौर पे, याद रखो हमको गवाही के तौर पे, इसका अलग बहस है, टॉपिक है, मैं बात नहीं करूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। आमीन। तो इसका मतलब है अभी हमको डरने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज बहुत तेजी से चल रहा है, गाय का लाल बच्चा। मेरे को एक ने पूछा अभी जब मैं बॉम्बे से इधर आ रहा था, बोले डैनियल भाई आपका क्या कहना है। मैंने बोला, बच्चा गाय का लाल पैदा होने दो यार, काला, यीशु नहीं आ रहा। अब मेरे साथ में एक आदमी, पासली एक आदमी मेरे को बोला, चांद लाल हो गया। मैंने बोला, वेट कर सुबह फिर ठीक हो जाएगा। नहीं, 2 महीना पहले चांद लाल हुआ, लेकिन क्या हो गया बाद में फिर ठीक हो गया। अभी लाल बच्चा पैदा, लाल बच्चे का मतलब समझते हो, उसके पहले वो एंटीक्राइस्ट को बैठना है मंदिर में, अकॉर्डिंग टू सेकंड थिस्सलोनी के चैप्टर 1, उसको पहले मंदिर में बैठना होगा, उसके बाद में आपका लाल गाय का बच्चा पैदा होगा, फिर वो अर्पण होगा, फिर गेट खोला जाएगा। आज मंदिर किसके कब्जे में? आज यरूशलेम का मंदिर किसके कब्जे में है? सर आप तो आसपास के देवा हुए, मैं आपको बताता हूं, फिलिस्तीन के अंदर में है। आप हिस्ट्री
चेक करो, आपका न्यूज चेक करो, आपका गूगल को टाइप करो, अभी वो मंदिर फिलिस्तीन के कब्जे में, इजराइल का और फिलिस्तीन का एक तो झगड़ा है मंदिर को लेके, और जब एंटी क्राइस्ट आएगा ना तो सब एक हो जाएंगे, याद है कि नहीं, और जब पूरा वर्ल्ड का रिलीजन वन हो जाएगा, वन गॉड वन रिलीजन, तब वो बनी होगा, उसके बाद में गेट खोला जाएगा, उसके बाद में डिक्लेरेशन होगा कि जो क्राइस्ट आने वाला था, एंटी क्राइस्ट बोलेगा वो मैं हूं। ये कितना लंबा प्रोसेस है, सोच के देखिए। लोग कहते हैं कि जैसे ही सब ठीक है ना, लोग कहते हैं जैसे ही थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा दुनिया खत्म। मैंने बोला इधर आ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब भी तो यही बोला था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो यही बोला था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी यही बोला था, अब बचा है थर्ड वर्ल्ड वॉर, और मैं टंकी की चोट पे बोलता फोर्थ भी आएगा, फिफ्थ भी आएगा, सिक्स्थ भी आएगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर कितना भी होने दो, यीशु तब तक नहीं आएगा। कुछ लोग अपने को मत्ती का किताब ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, अपन सिखा रहे प्रकाशित वाक्य, इधर हमको ये नहीं समझा अभी तक, सेट क्या होता है वो बता रहे हैं। सोचो आप, ये सुन रहा हूं कुछ चीजें और बोल देता हूं, नरक कैसा है उसके ऊपर टीचिंग चालू है, स्वर्ग कैसा है उसके ऊपर टीचिंग चालू है, एंटी क्राइस्ट कैसा है उसके ऊपर टीचिंग चालू है, गलत नहीं है सिखाओ, लेकिन आपका ये काम नहीं है, आपका काम है सुसमाचार फैलाओ। मुझे क्या करना है नर्क कैसा है जानकर, कम ऑन स्पीक, मैं गलत हूं तो रोक दो मेरे को, मुझे क्या करना है नर्क कैसा है जानकर, क्यों, क्योंकि मैं वहां नहीं जाने वाला, और जिसको मैं प्रचार कर रहा हूं उसको भी वहां नहीं जाना है, तो फिर मैं अपना ज्यादा खोपड़ी उसमें क्यों डालू कि नर्क में इतने कमरे होते हैं, नर्क में अंधेरा होता है, नर्क में कीड़ा होता है, नर्क में धुआं होता है, तेरे को बिस्तर लगा के सोना है क्या, कम ऑन, ये सुन लो। कुछ लोग कहते हैं एंटी क्राइस्ट को इतने सिंह है, एंटी क्राइस्ट को इतने सर है, बेटा जब वो आएगा तू खुद नहीं रहेगा। जो चीज सिखाना है वो नहीं सिखा रहे, जो नहीं सिखाना है वो सिखा रहे, यही गड़बड़ चल रहा है, इसलिए ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। मंदिर का पर्दा फाड़े के नहीं फाड़े यीशु मसीह, ऊपर से लेके नीचे तक परमेश्वर पर्दा फाड़ रहा है, और हम कैसे लोग सिखा रहे हैं, आप समझदार है, मैं रिपीट करता हूं शायद बच्चे की आवाज में आप लोग नहीं सुने, परमेश्वर मंदिर का पर्दा फाड़ रहा है और हम लोग सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं मालूम है, मंदिर का पर्दा ऐसा था, मंदिर का पर्दा ऐसा था, उसके कलर कितने थे, ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तू खुद ही मंदिर है, तुझे मंदिर का पर्दे गिनने की क्या जरूरत है, दिमाग कैसे रखो, कुछ चीजें और है जो कि नहीं बोलूंगा ना। चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए, परमेश्वर की विधि, तो पहला क्या था, परमेश्वर का उद्देश्य, दूसरा क्या था, परमेश्वर का दर्शन, तीसरा क्या था, अभी बताया रणनीति, और ये रहा सेकंड लास्ट जो कि कहता है परमेश्वर की विधि, इंग्लिश में कहते हैं गॉड्स मेथड। आइए देखते हैं क्या लिखा है, दूसरा तिमोथी 2:2, एक साथ 1 2 3 गो, और जो बातें तूने दोस्तों आपके सामने सुनी है ओके, यहां पे टोटल कितने लोग हैं, 3 है, 4 है, ओके मैं बताता हूं, सबसे पहला कहता कि तूने, ये कौन है, तिमोथी मुझसे, ये कौन है, पौलुस, ये है विश्वासी मनुष्य, तीसरा और ये है और, 4, तो एक है पौलुस, दूसरा है तिमोथी, तीसरा है विश्वासी मनुष्य, और चौथा है और, तो आपकी गिनती किसमें, यहां पर और, तो पौलुस ने तिमोथी को सिखाया, तिमोथी ने अपने विश्वासी को सिखाया, और याद रखो डॉट MEN, आप नहीं समझे, ये मनुष्य मतलब मनुष्य, ओके मेरे पास कुछ और है, बोल सकता हूँ आप, ठीक है सिस्टर, ओके, परमेश्वर ने पृथ्वी पे पहले किसको बनाया इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन, मनुष्य, उसका नाम क्या रखा, आदम, फिर उसने स्त्री बनाई, उसका नाम क्या रखा, वाह क्या जवाब है, वापस परमेश्वर ने पुरुष बनाया, आदम, स्त्री बनाई, वाह क्या ये सही है, मैं फिर पूछूंगा क्या ये सही है, परेशान मत होइए, आप लोग भी बाइबल पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, मैं जो पूछ रहा हूं उसके जवाब दीजिए, क्या ये सही है, यस यस,
यस आप करते हैं दूध का दूध पानी का पानी कोई तो बना के ला चाय जिसका नाम है रानी एनीवे उत्पत्ति उत्पत्ति की पांच का एक उत्पत्ति पांच एक उत्पत्ति पांच एक जी आदम की वंशावली ये है आइए देखते क्या है जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की मनुष्यों की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में अपने ही स्वरूप में उसको बनाया उसको बनाया उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी एक मिनट उनको आशीष दी आइए सुनते हैं और उनकी सृष्टि के दिन उनके सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा अभी तो इसका मतलब है पुरुष को बनाया नाम आदम स्त्री को बनाया नाम आदम आदम पढ़ा आपने अभी तो इसका मतलब है जेंडर्स यहां है ये है पुरुष ये है स्त्री लेकिन स्वर्ग में कोई जेंडर नहीं है आपने ही समझे अभी भी हम परमेश्वर की नजर में सब एक हैं गलतियों 3:28 फास्ट गलेशियन चैप्टर 3:28 जी गलेशियन 3:28 गलेशियन 3:28 अब ना कोई यहूदी रहा अब ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी रहा ना कोई दास ना स्वतंत्र ना कोई नर ना नारी क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो सुना तो इसका मतलब है पौलुस ने कहा तिमोथी को अब यहां पर आ जाइए पौलुस ने कहा तिमोथी को कि तू मनुष्यों को सिखा मतलब पुरुष को भी सिखा स्त्री को भी सिखा पुरुष को भी सेवक बना स्त्री को भी सेवक बना जो अभी लेट आए हैं हो सकता है कि आपने दोपहर का सेशन नहीं सुना मैं ऑलरेडी दोपहर का क्लियर कर चुका हूं कि पुरुष हो या स्त्री फाइव और मिनिस्ट्री दोनों को दिया है ओके नाउ जैसे ही उसने कहा मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखा सके तो वो जो लड़की यहां पर बैठी है तुम इसको सिखा सकती हो ये पास्टर बन सकती है ये बपतिस्मा दे सकती है ये टीचिंग दे सकती है वाओ अब मेरे सर में और एक और बोल दूं परमेश्वर ने जब सामरी औरत को चुना तो उसके सैंडल चेक नहीं करे उसके लिपस्टिक चेक नहीं करे उसका गजरा चेक नहीं करा उसके कपड़े चेक नहीं करे उसने सिर्फ एक ही चीज देखा पूछो क्या मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपका टेक ऑफ होने वाला है पानी पियो जी ओके टेक ऑफ समझते हैं ओके ओके उसने उसका लिपस्टिक सैंडल साड़ी गजरा चेक नहीं किया फिर क्या चेक किया उसके अंदर एक क्वालिटी थी पूछो कौन सी बात अच्छा कर लेती थी वो पूछो कैसे पांच पांच कर चुकी है जिसके साथ है वो भी किसी और का है वहां से छीन के अपने पास ला सकती है तो सोचो उसकी बातें कितनी अच्छी है तो यीशु ने कहा तेरे कपड़े को मैं नहीं देख रहा हूं मैं तेरे अंदर एक क्वालिटी को देख रहा हूं और उसी क्वालिटी के साथ उसने गांव भेजा और पूरे गांव को वो जीत के लाए तो गांव का पास्टर कौन था वो सामरी औरत आप है मेरे साथ में मैं फिर कहता हूं बाइबल को पढ़ते वक्त में कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा करो आप ऊपर ऊपर पढ़ते हो ना तो गड़बड़ हो जाता है चिकन अच्छा था ओके इसका मतलब है कि परमेश्वर की विधि संसार में पहुंचने का अगुओं के प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है जो और भी दूसरे अगुओं को प्रशिक्षित कर सके इसका मतलब है हमको पुरुषों को भी तैयार करना है स्त्रियों को भी तैयार करना है और ज्यादा जोर सिखाने पे करना है तो हमको सीखना है जोर से सीखना है और सिखाना है कब कब सीखना है कब कब सिखाना है ये बता दोगे तो मजा आएगा आप ही के पैसे से चाय पिलाऊंगा कब कब सीखना है कब कब सिखाना है तो मैं बताता हूं एक बार सीखना है हमेशा सिखाना है अब रे मैं और एक बोलता हूं सेविंग अ सोल इट्स अ वन डे प्रोसेस सर प्लीज हेल्प मी मैं रिपीट करता हूं सेविंग द सोल इट्स अ वन डे प्रोसेस बट टीचिंग योरसेल्फ टू अदर इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस Can you believe that? आप लोग समझे कि नहीं समझे? आपका उद्धार होता है वो एक दिन का प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद पूरी जिंदगी आपको सिखाना है।
आपने एक दिन सीखा, ओ यीशु है, ओके पास्टर काम पे लगाओ, यही तो पौलुस बोल रहा है। जल्दी से बोल दूं, क्या परमेश्वर की यहाँ पे एमरजेंसी है या परमेश्वर बहुत स्लो काम करता है? फास्ट या स्लो? कितना फास्ट? More than thinking. Excellent answer. आपको पता है व्यक्ति अंधा था, जिन्होंने पूछा इसने पाप किया, इसके माँ बाप ने पाप किया, जो होना नौ का इनसे जाल में, यीशु ने कहा ना इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया, इसको अंधा पैदा इसलिए हुआ ताकि मेरे काम इसके द्वारा प्रकट हो। वचन चार कहता है अभी रात वो दिन है जिसमें हम काम कर सकते हैं, वो रात आएगी जिसमें हम काम नहीं कर सकते। दूसरा कृत्य छे का तो कहता है पौलुस कहता है अभी उद्धार का दिन है, अभी तौबा का दिन है। तो यीशु के टाइम पे 12 घंटे थे, पौलुस के टाइम पे सेकंड में आ गया। अब अपना सोचो क्या है, अब आप सोचो कितना स्पीड है। तो मैं फिर कहूंगा क्या शैतान सोते हैं? नहीं। क्या परमेश्वर सोते हैं? नहीं। क्या हम सोते हैं? बोलो भर भर के और मर मर के अपने मेरे साथ में। तो इसका मतलब है कि हमको अपनी जो स्पीड है वो बढ़ानी होगी। सर मैं गुजरात में था, वहां गुजरात के लोग बहुत मीठा खाते हैं, यहाँ कोई है गुजरात से? बहुत मीठा खाते हैं। मैंने उनको बोला कि मुझे तीखा लाओ, उसमें भी मीठा डाले। मैंने कहा दाल बनाओ, उसमें भी शक्कर डाले। अभी जा रहा हूँ आगे गुजरात, वहां पे मैं एक जगह पे प्रचार कर रहा था, तो मेरी स्पीड ऐसी थी, मेरी इतनी भी स्पीड नहीं है ना, समझ में आने जैसी है ना। मैं वहां पर स्पीड में था, मीटिंग खत्म हो गई, बोले डैनियल भाई गजब का टीचिंग, लेकिन आपको एक छोटा सा करेक्शन देते हैं। मैंने बोला बोलो क्या है? बोलते आप थोड़ा स्पीड कम करो। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है, और मेरे को छेड़े तो मैं चुप नहीं बैठता। आगे आप समझदार हैं, मैंने तो छेड़ा तो मैं चुप नहीं बैठा। मैंने बोला सर मैं करता हूँ ठीक है ना, मैं एक प्रश्न पूछूंगा जवाब दीजिए। बोला पूछो। मैंने कहा सर आपके घर में टेलीविजन है? बोला हाँ है। न्यूज देखते हो? बोला हाँ। मैंने बोला कौन सा, दूरदर्शन या आज तक? दूरदर्शन देखो, दूरदर्शन, उसमें एक आंटी टाइप अंकल टाइप आते हैं, आज का मौसम इस प्रकार है, ऐसे अगर बोलेंगे तो अपना मौसम खराब हो जाएगा। में 10 मिनट में 100 खबर, कौन सा 10 मिनट में 100 खबर, टक 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 टक, वो सुनते हैं, वो सुनते सुनते कॉफी नाश्ता लेस बच्चे को स्कूल अपना ऑफिस ये सब चलते रहता। हाँ भाई मालूम पड़ गया, चल बनकर 10 मिनट में आपका फोन, आपका कोई फोन दो मेरे को, आपको फोन चाहिए 6GB रैम का, आपको फोन चाहिए एप्लीकेशन टक टक करके ओपन हो जाए, आपको नूडल्स चाहिए 2 मिनट के अंदर बनके, आपको टेबल पे चपाती चाहिए टक करके। परमेश्वर का काम स्लो क्यों हो? यस कम ऑन, यस और नो? बाकी सब स्पीड और हम बन गए ढील। कैसा लग रहा है बताइए? पांचवा लास्ट है, इसको कहते हैं परमेश्वर का आदेश। एक साथ बोलिए, मसीह का आदेश। आदेश का मतलब है इंग्लिश में क्राइस्ट मैंडेट, बोल सकते हैं ओके मसीह के आदेश को कब पूरा कर सकते हैं? एक साथ बोलो, जब गंभीरता से। तो क्या मसीह लोगों ने गंभीर होना है? ओके क्या पास्टर ने गंभीर होना है? ओके एवेंजेलिस्ट ने गंभीर होना है? क्या बाइबल टीचर ने गंभीर होना है? आपको पता है मसीह की सेवा मजाक नहीं है, मसीह की सेवा सीरियस बिजनेस है। और अगर हम सीरियस नहीं है, आगे बोलो गई सच्चे ने पहले पानी ला लिया ओके जो गंभीर होता है उसमें चार चीजें होती है, बोलो चार चीजें। सबसे पहले उसके पास में दर्शन होता है लेकिन बड़ा, उसके पास में लालसा होती है लेकिन अधिक, उसके पास में रणनीति होती है लेकिन स्पष्ट, उसका जीवन समर्पित होता है लेकिन हमेशा के लिए। तो इंग्लिश में कहते हैं लार्जर विजन, मोर पैशन, क्लियर स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ये जिसके पास में नहीं है, वापस बोल दो गई भैंस पानी में गई भैंस ओके तो हम सभी को सीरियस होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का काम करना बहुत जरूरी है। बस मैं समाप्ति पे आ रहा हूँ, वो घड़ी बराबर है ना? 4:30 अभी 4:30, 5-10 मिनट दीजिए मैं खत्म करता हूँ, आप बोले बात करो। जिसके पास में गंभीरता से सेविकाई है वो चुनौती को स्वीकार करेगा। आइए देखते हैं चुनौती क्या है। लिखा है विश्व में 160 करोड़ अनपहुंचे या बहुत कम पहुंचे लोग हैं, जिनमें से अधिकांश लोगों ने कभी सुसमाचार नहीं सुना है। दिस इज अबाउट द वर्ल्ड, किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड। लेकिन भारत में 30 करोड़ लोग अभी भी
only in India. There are 30 crore still people are there who yet to know Christ. जिनको अभी भी यीशु नहीं पता, चिंता का विषय है. दूसरा, भारत में 7 लाख गांव में से मात्र 1 लाख गांव में सेवा है, लेकिन 6 लाख गांव में कलीसिया नहीं है. साथ ही साथ भारत में 2238 जातियां हैं जहां पर किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, मात्र 310. ओके, नाउ अब इसको देखिए, मैं समाप्त कर रहा हूं. इसको नहीं, इसको एक साथ पढ़िए अगर आप पढ़ सकते हैं. विश्व में विश्व में हर पल कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है जिसने यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुना. 1 मिनट में 43, 1 घंटे में 2500 और पूरे दिन में 62,000. इसका मतलब है कि प्रतिदिन 62,000 लोग मर रहे हैं. मुझे देखिए सर, जब आप खाना खा रहे थे, जब हम दोनों खाना खा रहे थे, तो घर में कौन सा बच्चा अचानक से बहुत जोर से रोया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी चीख पड़े, उनके पिताजी चीख पड़े, और आपका सबका घर में आप लोगों ने बात करना शुरू किया, बेबी ना करो, ये सब हरकत हुई. और मैंने तुरंत इनसे कहा कि देखो, बच्चा रोया तो पूरा घर याद आया. सर कौन सा बच्चा था, खाना खाने के टाइम अचानक रोया, तो सबने एक साथ आवाज लगाए, मत रो, हम लोग हैं, हम लोग हैं. सोचिए 62,000 बच्चे मर रहे हैं परमेश्वर के, अगर अपनी चीख निकल रही है एक बच्चे के लिए, तो 62,000 बच्चों जो मर रहे हैं, परमेश्वर की चीख कैसे निकलती होगी? सोच के देखो. मुझसे किसी ने पूछा सचिन कि अभी यीशु ऊपर क्या कर रहा है, तो आपको पता है मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा अकॉर्डिंग टू Hebrews 7:25 मत पढ़ना, वो मध्यस्थी कर रहा है. और मैंने पूछा उसको, देखो क्या लगता है मध्यस्थी कैसे कर रहा है, कॉफी पी पी के, पिज्जा खा खा के, लूडो खेल खेल के, या आंसुओं के साथ? एग्जैक्टली. सोच के देखिए ब्रदर, जब हम लोग यहां एंजॉय कर रहे होते हैं, वो 62,000 को मर के नरक में जाते हुए देख रहा होता है, रो रहा होता है. जब आप लोग पिकनिक में होते हैं, वो रो रहा होता है. जब आप लोग अपने घर में, जब आप लोग बिरयानी खा रहे होते हैं, वो हो रहा होता है. आप लोग जब शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीद रहे होते हैं, वो हो रहा होता है. इसका मतलब ये नहीं कि आज के बाद बिरयानी मत जाओ, शॉपिंग मत करो, पिकनिक मत जाओ. नो, मैं बात कर रहा हूँ दिल की, आपका इंटेंशन कल इसके ऊपर बात करेंगे. तो आप लोग ये पूरा नजारा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आखिरी चीज बता कर मैं समाप्त करता हूँ. आपने कभी 1040 विंडो का नाम सुना है? 1040 विंडो, जिसको कहते हैं 10x40 की खिड़की, इसको कहते हैं. जो स्कॉलर्स हैं, जो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, वो इसको समझेंगे. यहां से 40 और यहां से 10, यानी कि आपका जो ग्लोब है ना, ग्लोब नक्शा पूरा विश्व का, उसको कहते हैं, एक टुकड़ा निकालो, 1040 विंडो कहते हैं उसको. उसमें क्या क्या है, ये लास्ट टाइम प्लीज बर्दाश्त कर लो. इसमें क्या क्या है, ये रहा आपका अफ्रीकन कंट्री जिसको आप लोग इस्लाम कहते हैं, ये रहा आपका हिंदुस्तान, ये रहा आपका बुद्धिस्ट, और ये रहा आपका फॉरेन कंट्रीज. आप पूरा देख सकते हैं कि 1040 विंडो में आपका इस्लामिक कंट्री है, आपका बुद्धिस्ट कंट्री है, आपके फॉरेन कंट्रीज है, और ये रहा आपका हिंदुस्तान. देख रहे हैं आप, तो इसका मतलब है पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पॉपुलेशन की कैटेगरी में कौन आता है? जोर से, इंडिया. मैं बात नहीं कर रहा हूं कि कौन सा जाति बड़ा है, मैं बात कर रहा हूं कि कौन सा पॉपुलेशन बड़ा है. सबसे ज्यादा वर्ल्ड के कंट्री में इंडिया नंबर वन पर है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. आप तो समझ रहे हैं मेरी बात को. दूसरा, आपको नहीं पता कि सबसे ज्यादा अनरीच्ड पीपल ग्रुप अफ्रीका में नहीं है, बौद्धिस्ट में नहीं है, चाइना में नहीं है, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है. और आपका शहर कहां है? आपको नहीं लगता है कि 1040 विंडो में आपको सबसे ज्यादा चैलेंज है? अब इसको देखिए, आपको नहीं पता,
थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए प्लीज। आप देख सकते हैं 1040 विंडो में विश्व की 60% जनसंख्या, आप देख सकते हैं कहां पर है, 55 अनपहुंचे राष्ट्र इसमें पाए जाते हैं, 60% इसमें पाए जाते हैं, कहां गया 86% विश्व की कम पहुंची जाति समूह यहां पाई जाती है, कहां गया फिर केवल 3% विश्वासी मिशनरी काम कर रहे हैं। और इसमें क्या था भैया, ये देखो 1040 विंडो, इसमें क्या था भारत, इसमें क्या था बौद्धिस्ट, इसमें क्या था इस्लाम, इसमें क्या था फॉरेन कंट्री, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है टारगेट में नंबर वन, इंडिया। अब आप सोच के देखो काम कितना बाकी है, काम बहुत बाकी है, प्लीज बुरा नहीं माना, टाइम पास भी बहुत बाकी है। हम परमेश्वर के लिए लोगों को तैयार करने के बजाय अपने ही बीच के लोगों को तैयार कर रहे हैं। इसको कहते हैं मछली पहले से फ्राई है उसको फिर से तेल में डाल के फ्राई कर रहे हैं, तो मछली बोलती है मैं पहले से फ्राई होके बैठी हूं मुझे और क्यों फ्राई कर रहा है। पवित्र आत्मा सबको चाहिए लेकिन उसको क्यों दे रहे हो जिसके पास पहले से है। टीचिंग सबको चाहिए लेकिन उसको क्यों दे रहे हो जिसके पास पहले से है। बपतिस्मा सबको चाहिए लेकिन बपतिस्मा का टीचिंग उसको क्यों दे रहे जिसका पहले से बपतिस्मा हो चुका है। आप नहीं समझ रहे हो, तो इसको कहते हैं कि फावड़ा वही मार रहे हैं जहां पहले किसी ने मार के रखा हुआ है, हम बीज वही बो रहे हैं जहां बीज पहले से बो के रखा, पानी वही डाल रहे हैं जहां पहले से किसने पहले से पानी डाल के रखा हुआ है, हम मीटिंग वही कर रहे हैं जहां मीटिंग पहले से हो रही है, हम कॉन्सर्ट वही कर रहे हैं जहां पहले किसी ने ऑलरेडी किया है, उससे वही कर रहे हैं, कभी राम बाबू को कभी सुरेश बाबू को, ऊपर से बाबू परमेश्वर बैठा बोलता है बाबू तू किधर है। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं, परमेश्वर टाइम पास लोगों को पसंद नहीं करता, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। एक लास्ट स्लाइड देकर मैं समाप्त करता हूं, ओके, कहां गया, ये सब जंप कर रहा हूं उसके पीछे एक कारण है क्योंकि मेरे पास में वक्त नहीं है, ओके, इसको पढ़िए। क्वेश्चन मार्क, अब पढ़िए, तो आप अपने परिवार से क्या बात करोगे, अपने परिवार मित्रों से आप ये पूछोगे कि पाकिस्तान और स्कोर का मैच क्या चल रहा है, मैच का स्कोर क्या चल रहा है, आप ये पूछोगे कि जोक्स कौन से तेरे पास में, आप स्ट्रेचर पे लेटे 5 मिनट बाकी हैं, कौन सी बात करोगे बोलो, इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। आपको पता है जब यीशु के पास में इस पृथ्वी पर जाने से पहले 5 मिनट बचे थे उन्होंने क्या दिया, एक साथ बोला महानाज्ञा, और आपको पता है महानाज्ञा क्या है, उसने हमें महानाज्ञा दी इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सब बातें जो मैंने तुम्हें आगे दिए मानना सिखाओ, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। उसने कभी नहीं कहा आओ, उसने कहा जाओ, उसने कहा सब जन तक जाओ, ना केवल कुछ लोगों तक जाओ, चेला बनाओ, ना कि चर्च का मेंबर बनाओ, प्रत्येक जाति में जाओ, ना कि कुछ लोगों में जाओ, बपतिस्मा दो, आज्ञा मानना सिखाओ। और उसने ऐसा सिर्फ आपको पता है कितनी बार कहा, टोटल 5 बार, मत्ती 28, मरकुस 16, लुका 24, यूहन्ना 20, एक्स 1:8। फिनिश, आज का खत्म, कैसा रहा, एक चैलेंज के साथ जाइए कल वापस आइए, थैंक यू फॉर दिस।